आज हम लोग बताएंगे एलजी का जो एसी है इस पे जब पावर काट हो जाता है तो फिर से पावर आने का बाद मशीन का जो पावर है वो पावर नहीं आता है, तो उसके लिए बताएंगे। इसको बोलता है ऑटो रिस्टार्ट फंक्शन। तो सबसे पहले देखिए, अभी मशीन चल रहा है कस्टमर का, तो इस पे जो कस्टमर का कंप्लेन है, मशीन पावर काट होने के बाद फिर से पावर नहीं आ रहा है। जब लाइन आ रहा है मतलब पावर आ जाने के बाद फिर से मशीन ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, सबसे पहले अभी देखेंगे मशीन एक्टिवेट मोड, ऑटो रिस्टार्ट मोड एक्टिवेट है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, अभी मशीन चल रहा है, उसके बाद मशीन का जो पावर मेन प्लग है उसको पहले ऑफ कर देंगे। देखिए ऑफ कर दिया, और एसी देखिए अभी ऑफ हो गया। तो फिर मैंने ऑन कर दिया मतलब पावर इन हो गया, तो देखिए मशीन जो है फिर ऑन नहीं हो रहा। जैसे मशीन पे लाइन आ गया, फ्लैप भी बंद हो जा रहा है, मतलब मशीन पे अभी पावर है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, मेरे को पावर जो बटन है मतलब ऑटो रिस्टार्ट मोड जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले पावर जो बटन है इसको दबा के रखेंगे। 1 से 6 सेकंड तक दबा के रखेंगे। फर्स्ट 3 सेकंड पे एक बीप आएगा और 6 सेकंड पे भी एक बीप आएगा। तो 6 सेकंड पे जो बीप आएगा मतलब सेकेंड जो बीप आएगा उस टाइम मेरे को पावर बटन जो है उसको छोड़ देना है। तो सबसे पहले देखिए, अभी यहाँ पे ऑन कर रहे हैं मशीन, तो ऑन तो हो गया मेरा, फिर पावर काट कर दे रहे हैं यहाँ से। तो देखिए अभी पावर काट कर देंगे तो देखेंगे एक्टिवेट हुआ कि नहीं है। तो देखिए अभी पावर काट कर दिया मशीन, तो फिर देखेंगे मैं स्विच ऑन करके। देखिए अभी एसी जो है वो बेसिकली ऑफ हो गया, तो फिर मैं ऑन कर दे रहे हैं पावर। देखिए ऑन तो कर दिया, फिर देखिए अभी पावर भी आ गया। मतलब मैनुअल जो बटन है इसका मान लीजिए एक्टिवेट करना है, तो जिस टाइम एक्टिवेट नहीं रहेगा तो उस टाइम एक्टिवेट करना है, तो मैनुअल बटन जो है इसका 1 से 6 सेकंड तक दबा के रखना है। मतलब 3 सेकंड में एक बीप आएगा बेसिकली टेस्ट मोड में एलजी का मशीन में, और 6 सेकंड जब दबा के रखेंगे तो उस टाइम ऑटो रिस्टार्ट फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है मशीन पे। तो यही अभी बताना था। और डीएक्टिवेट करना है तो सेम प्रोसेस डीएक्टिवेट करना है, और आप लोग इस पर पीसीबी भी चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आगे जाके और भी कोई एस्कलेशन होगा उस टाइम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उसी लिए आपको ऑटो रिस्टार्ट फंक्शन बहुत जानना ज़रूरी था, वही आपको बताया आज। थैंक यू।